नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है सुशीला बुधिया जी। शुरुआत के दिनों में सुशीला बुधिया जी ने काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, काफी संघर्ष किया और आज के वक्त ये एक सफल महिला के तौर पर समाज में जानी जाती है। तो आज हम जानेंगे सुशीला बुधिया जी से क्या है उनके संघर्ष की कहानी, क्या है उनके सफल होने का राज। तो सबसे पहले सुशीला बुधिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के समय में एक महिला के लिए समाज में सफल होना कितना आसान या कितना मुश्किल है। सफल होना कोई कठिनाई नहीं, सफलता की कोई राज नहीं, लेकिन सफल वही व्यक्ति हो सकता है जिनके अंदर जुनून और जज्बा होता है। सुशीला जी, क्या लगता है आपको, महिलाओं के सफल होने में पुरुष की भागीदारी जरूरी है? मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं पुरुष के बिना सफल नहीं हो सकती है। मैं खुद में एक एग्जाम्पल हूँ। मैंने किसी पुरुष का सहयोग नहीं लिया है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हमारा देश और भी सफलता के चरण सीमा को चूमेगा। क्योंकि पुरुष की अलग क्वालिटी होती है, पुरुष की क्षमता अलग होती है और महिलाओं की क्षमता अलग होती है। सुशीला जी, जब शुरुआत के दिनों में आप अपने घर से बाहर निकला करते थे तो समाज का नज़रिया उस वक्त क्या था, और जब आप आज एक सफल महिला हैं तो समाज का नज़रिया क्या है? जब मैं शुरुआत के दिनों में बाहर निकली तो लोग कहते थे, कुछ नहीं पड़ा है, इन सब कंपनियों में कोई आनी जानी नहीं है, घर में रहो, घर में रह के काम संभालो। महिलाएं भी कभी काम करके घर को संभाल पाई है, घर के खर्चे चला पाई है, लोग कहते थे। जब मैं किन्हीं महिलाओं को जागरूक करने उनके घर पे जाती थी तो कुछ पुरुष तो कहते थे, नहीं आजकल सब आगे बढ़ रहे हैं, काम करना चाहिए। लेकिन उन्हीं में से कुछ पुरुष ऐसा कहते थे कि मैं सक्षम हूँ अपने घर को चलाने में, मेरी महिलाएं काम नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि जो लोग कुछ भी बोले, मेरे पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मैं आगे की ओर बढ़ती गई। मैंने अपने आप को पीछे नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरे बचपन से ही यही चाह थी कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मुझे कुछ करना है। ये सुंदर मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है, मुझे खाने पहनने और सोने में अपना वक्त नहीं गुजारना है। इस इच्छा को लेकर आज के 22 साल पहले मैं वेदांत सत्संग के साथ जुड़ी। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है और परमात्मा क्या है। लेकिन दोस्तों, सत्संग भजन के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी चाहिए, तो इस इच्छा को लेकर मैं कई विदेशी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं अंदर से एक बात और कहूँगी कि अंदर जागरूकता होती है, लगन होती है तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। आज के 3 साल पहले मैंने इंडिया की, भारतवर्ष की स्वदेशी कंपनी मोदी केयर के साथ जुड़ी। क्यों जुड़ी? क्योंकि वहाँ कुछ मेरे पैसे नहीं लगे और कंपनी स्वदेशी थी। मैं केवल एक आधार कार्ड के साथ जुड़ी और मेरी 65,000 करोड़ के मालिक के साथ मेरी पार्टनरशिप हो गई। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को मैं तो यही कहूँगी कि मोदी केयर के साथ जुड़े, क्योंकि मुझे सफलता वहीं से मिली है। दोस्तों, मैंने कुछ ही दिन काम किया और मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ, अच्छे खासे पैसे आने लगे। मैंने मोदी केयर से 4-4 विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ की, मुझे हाउस फंड, कार फंड मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि एक व्यक्ति को समाज में इतना सफल तो अवश्य होना चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार का केवल भरण पोषण ही नहीं, सपनों को भी पूरा कर सके। तो आपका सवाल था कि आपकी नज़रिया, समाज की नज़रिया पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो समाज वक्त के अनुसार बदल जाता है। लोगों का काम तो है कहना, वो तो कुछ भी कहेंगे ही, लेकिन दोस्तों, हमें किसी के कहने पर नहीं जाना है, हमें वही करना है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल से जी सकें। सुशीला जी, आज आप एक सफल महिला हैं, समाज में आपकी एक अलग पहचान है। जो महिलाएं सफल होना चाहती है या फिर सफल होने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर उनके लिए आप कोई ऐसी बातें बताएं जो उनके ज़िंदगी में मददगार साबित हो? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने दिल से पूछे कि क्या सचमुच वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सचमुच वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं।
तो पहले अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज हम जिनको सफल देख रहे हैं, चाहे वो एक व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे एक जॉब करने वाले हों, चाहे एक पॉलिटिक्स में हों, चाहे नेटवर्क में हों, जो लोग भी आगे बढ़े हैं उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है। मोदी केयर में भी हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम आज 90 लाख रुपया महीने कमा रही हैं। वो नेटवर्क कंपनी की टॉप अर्नर हैं, लेकिन कितनी मेहनत की हैं, कभी हम लोग उनकी जीवनी को सुने तो हमें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि मोदी केयर महिलाओं के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझे मोदी केयर क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई एजुकेशन की आवश्यकता है। यहाँ कुछ खोने के लिए नहीं है दोस्तों। क्यों खोने के लिए नहीं है? क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं है, यहाँ तो केवल पाना ही पाना है दोस्तों। यहाँ ना उम्र देखा जाता है, ना यहाँ जाति देखी जाती है। यहाँ 18 साल का युवक भी कर सकता है, यहाँ 70 साल का वृद्ध भी कर सकता है। हम मोदी केयर पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हैं। हम महिलाएं घर में रहकर भी कर सकते हैं, घर से बाहर रहकर भी कर सकते हैं। तो मोदी केयर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मोदी केयर वीमेन एम्पावर पर जोर देती है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, मोदी केयर किया जाए, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। क्योंकि जो महिलाएं शिक्षित भी नहीं है, जिनके पास पूंजी भी नहीं है, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि सक्षत नारी से ही बनेगा सक्षत समाज, सक्षत नारी सब पर भारी। सुशीला जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ये व्यापार है, ये आप अकेले संभाल रही हैं या फिर आपकी कोई टीम है, आपको किन्हीं का सहयोग मिल रहा है? मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की अध्यक्ष अनुराधा खेतान जी को। वो काफ़ी सहयोग कर रही हैं इस कार्य में, जिसके कारण हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्य को हम लोग 200 महिला मिलकर कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का एक अच्छा परिवार और एक अच्छा समाज बन सके। चलिए, ये थी हमारे साथ सुशीला जी, जिन्होंने समाज के हजारों तानों को दरकिनार कर लगातार मेहनत किया और आज एक सफल महिला के तौर पर समाज में जानी जाती हैं। ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।